मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजर दिल नू तोड़ी ना, डुबदी दुनिया तारन खातर नाम दा चक्कर फिराया सी, नाम दा चक्कर फिराया सी, नाम दा चक्कर फिराया सी, सब धर्मां नू कठे करके सच्चा सबक सिखाया सी, सच्चा सबक सिखाया सी, सच्चा सबक सिखाया सी, बख्शी आओ गुण मेरे चरनो तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। उसको डेरा खुश ते कृपा गुरु नानक ने कीती सी, गुरु नानक ने कीती सी, गुरु नानक ने कीती सी, खांदा सी ओ लोकां ताई पापा नाल परीती सी, पापा नाल परीती सी, पापा नाल परीती सी, सीने दे नाल लाल मुख तू मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। जेकर हो जाए तेरी कृपा पिंगला पर्वत चढ़दा जी, पिंगला पर्वत चढ़दा जी, पिंगला पर्वत चढ़दा जी, गूंगे नू जे रसना बख्शे कथन बाणी दा करदा जी, कथन बाणी दा करदा जी, कथन बाणी दा करदा जी, जिंद ने माणी नरका दे विच रोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। बड़ा भिखारी दर तेरे दा होर आसना कोई जी, होर आसना कोई जी, होर आसना कोई जी, तेरे दर तो बिना दातिया मिलदी कितों ना ढोई जी, मिलदी कितों ना ढोई जी, मिलदी कितों ना ढोई जी, दर तेरे दा मंगता प्रीत तू तोड़ी ना, कर दे
मैं सेवक तारे आया खाली मोड़ी ना सतगुरु आख रहे ने के सेवक तू अपने गुरु दे द्वारे आना है ना तू चाहना है कि मैं गुरु दे द्वारे खाली ना मुड़ा झोली भर के लेके जावा मेरे सारे दुख कलेश सतगुरु कट देन ता मन विच निम्रता तार के आया कर अरदास करया कर सतगुरु मैं आशा करके भरोसा रख के आप दे चरना च आया है ऐसिया मेर दिया नजरा कर दे ऐसिया मेर दिया किरना कर मेरा दिल ना तोड़ी मैनू खाली ना मोड़ी मेरे दुख कलेश कट दे मेरिया झोलियां खुशियां नाल भर दे ते साध संगत जे गुरसिख आवे ता पातशाह खाली नहीं मोड़ दे ओनू तृप्त कर देंदे ने प्रसन्नता बख्श देंदे ने धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब पातशाह इतिहास दे विच लिखिया है कि जदों सतगुरु गोइंदवाल साहिब विराज रहे सन ना तां गोइंदवाल तो तीन को दूर एक पिंड तलवंडी दे रहन वाला एक खत्री सिख जो के लत तो लंगा सी ते हर रोज गुरु जी दे शगन वास्ते रोज बड़ी श्रद्धा नाल दही लेके आउंदा सी जदों पातशाह ने प्रशादा छकना सतगुरां ने प्रशादा छकन तो पहला ओ पहुंचया हुंदा सी दही लेके एक दिन ऐसा आया हर रोज पिंडों आउना एक दिन उस दे पिंड तलवंडी दे चौधरी ने रस्ते विच साध संगत हासे नाल उस दी लकड़ दी घोड़ी खो ली जिस सहारे ओ सतगुरां दे पास आया करदा सी ते हासे नाल आखिया कहिंदा जिस गुरु वास्ते तू रोज दही लेके जाना ओ तेरी लत ठीक क्यों नहीं कर देंदे उन्हां दी अजमत उन्हां दी शक्ति तां सारे देश विच प्रसिद्ध है ओ तां मुरदियां नूं जवा देंदे ने ते ए तेरी लत ठीक नहीं कर दे तां साध संगत ओ खत्री सेवक कहिंदा है कि चौधरी साहब सतगुरु जी बेपरवाह ने जे चाहन ता एक छिन विच कर देंदे ने पर मैं उना दी रजा दे विच प्रसन्न है साध संगत एक गल करके चौधरी पासों अपनी लकड़ी लेके सतगुरां वाल छेती छेती तुर पे है जदों तुरिया आ रहा ना ता उदे मन विच एक ख्याल बार बार आ रहा है बड़ा मन उदास है कहिंदा ऐडे समरथ गुरु सर्वशक्तिवान जिन्ना बारे मैनू चौधरी ने मेड़ा मारिया कि तू उन्हां दी सेवा करदा है ते तेरी ओ लत नहीं ठीक कर सकदे जदों पहुंचे है तां धन गुरु अमरदास साहिब पातशाह प्रशादा छकण वास्ते लंगर विच थाल अगे रख के बैठे हुए सन क्योंकि सेवक लेट हो गया सी काफी चिर थाल दे विच प्रशादा पिया रहा सतगुरां ने मूंह विच कोई भी बुरकी कोई भी ग्राही ना पाई ता साध संगत सतगुरां नूं वेख के होर भी संगत बैठी रही भाव के प्रशादा ठंडा हो गया है किसी ने भी
ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸਾਡੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਲੰਗੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੰਗੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਵ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨੌ ਬਾਰ ਨੌ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ
सतगुरु करन करावन वाले ता आपने, पर ओ बदनामी सानू दे दें देने। कैसी निम्रता वेखो साध संगत, सतगुरु ना ता पता सी ना के शाह हुसैन दे पास सारियां रहमतां ने, रिदियां सिदियां दा मालक है। हुंदे होए भी शाह हुसैन कहिंदा है के करन करावन आपने हो, पर बदनामी सानू दे देंदे ने। कहिंदा गुरसिखा जा मेरे वलों उन्हां नू नमस्कार करी। तां साध संग जदों ओ सिख पहुंचे है धन गुरु अमरदास पातशाह दे चरणा च, तां पातशाह उन्हूं वेख के बड़े प्रसन्न होए, गलवकड़ी दे विच लै लिया। कहिंदे गुरसिखा जा अज तो बाद तू अपने पिंड विच रहना है, ते तैनू गुरु नानक दे घरों ये ड्यूटी मिली है, धर्मशाला बनवा के गुरु नानक दे नाम दा प्रचार कर। ते साध संगत जे आपां भी सतगुरां तो कुछ प्राप्त करना है ना, खुशियां लैनियां ने, ता यही अरदास करिया करिए। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी मच्छी वांगू रहे तड़फ दी जिंद निमाणी मेरी ये, जिंद निमाणी मेरी, जिंद निमाणी मेरी, आस परोसा तेरा दाता मन च कल्पना तेरी ये, मन च कल्पना तेरी ये, मन च कल्पना तेरी ये, नाम दी दात ना मिलती लखी करोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। ते साध संगत वेदा शास्त्रां दे विच ग्रंथां दे विच लिखे है कि जे किसे सेवक ने अपने गुरु दे पासों कुछ प्राप्त करना है ना, ता उदे मन विच निम्रता भी होनी चाहिदी। ओ स्वास स्वास नाम जपन वाला होना चाहिदा है। जदों समा मिले उस भगवान दा नाम जपे, उस भगवान दे परमात्मा दे नाम दा सिमरन करे, ते जे ओ सेवक अपने गुरु दे चरणा च अरदास करे कि सतगुरु आया खाली ना मोड़ी, मेरे दिल नू तोड़ा ते मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। ते साध संगत ए अरदास कई प्राणी अपनी जिंदगी दे विच अपने गुरु दे चरणा च करदे ने, ते कई ऐसे ने जो अंत समय जदों उन्हां दा अंत समा आउंदा है ना, उदों अरदास करदे ने कि सतगुरु मेरी अरदास प्रवान कर। ऐसी अरदास ऐसी कथा आउंदी है साध संगत कि एक दिन अर्जन
भगवान कृष्ण जी दे दर्शन करन वास्ते हस्तनापुर पहुंचे। जाके दर्शन कीते पर भगवान कृष्ण जी उना दी सुरती उना दा ध्यान किते लग्या होया सी। सुरती जोड़ के बैठे सन ते अर्जुन ने नमस्कार कीती ते बैठ गया ते देखदा कि भगवान कृष्ण असी इन्हां दा ध्यान धर के बैठदे हैं, इन्हां दे चरणां विच सुरती जोड़ के बैठदे हैं ते इन्हां ने पता नहीं किथे ध्यान लाया होया है, किथे सुरती जोड़ी है, ये तो आप भगवान ने। ता साध संगत उदे कोलो बैठा ना गया, कहिंदा भगवान भगवान जदों आखिया ते भगवान कृष्ण जी ने अखां खोलियां। सेवक सीना अपने सीने नाल लाया ते अर्जुन कहिंदा भगवान मेरे मन च ये ख्याल आया कि कहिंदा असी मैं सारे तुहाडा ध्यान धरदे तुहाडे चरणां विच सुत्ती जोड़ के रखदे हैं ते तुसी किस दा ध्यान धरदे हो। तां साध संगत भगवान कृष्ण चुप कर रहे, फिर कहिंदा है कि भगवान असी तुहाडा ध्यान धरदे हैं ते तुसी किस दा ध्यान धरदे हो। तां साध संगत भगवान कृष्ण जी कहिंदे कि हे अर्जन असी अपने उन्हां भगतां दा ध्यान धरदे हैं जो स्वास स्वास मेरा नाम जपदे ने। ता अर्जन कहिंदा भगवान ओ केड़ा भगत है, कृपा करो दिखाओ ऐसा केड़ा है। ता भगवान कृष्ण जी कहिंदे कि अर्जन जंगल दे विच एक शेर है ते ओ तला दे विच खड़ा है ते स्वास स्वास मेरा नाम जप रहा है, ओनू प्यास बहुत लगी हुई है, पानी नहीं पी रहा क्योंकि स्वास स्वास नाम जप रहा है ना मेरा, पानी नहीं पी रहा है। कहिंदा कि जे मैं पानी पीण लग गया ना ता मेरे स्वास खाली चले जाणगे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ता साध संगत अर्जुन ने हठ कीता है कि हे भगवान कृष्ण मैनू ऐसे भगत दे दर्शन जरूर करवाओ। ता साध संगत भगवान अर्जुन नू उस तला ते लै गए जिथे एक शेर अखां मीट के भगवान दी मूर्ति उना दी सूरत हिरदे विच वसा के उना दा नाम जप रहा सी। अर्जुन देख के बड़ा खुश होए ते शेर नू उने परम भगत जान के नमस्कार कीती ते भगवान कृष्ण कहिंदे अर्जुन तू इउं कर उच्चे सुर विच हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस तरह पुकार के मेरा नाम लै। ता उन्हें इउं ही कीता। साध संगत अर्जुन ने उची उची हरे कृष्ण जदों पुकारिया है ना भगवान कृष्ण कहिंदे कि अर्जुन एदे अंतले स्वास ने एदे स्वास खत्म हो चुके ने, आखरी साहां ते है इस करके सानू याद कर रहा सी। एदे मन च इच्छा सी ते मन दे विच अरदास कर रहा सी कि हे भगवान
मेरे सेवक दी बेनती प्रवान करो, मैनू आके दर्शन दियो। साध संगत, जदों अर्जन ने उची उची हरे कृष्ण आख्या है, ते भगवान कृष्ण जी दा नाम लैण दे नाल जदों उने सुनिया है, ते अपने नेत्र खोले अखां खोलियां, ते शेर ने भगवान कृष्ण जी दा दर्शन कीता, नमस्कार कीती, ता बार आउन लगे, ते भगवान कृष्ण जी कहंदे के हे सेवक तू पानी पी के आ। ता साध संगत ये बहाना सी ना, जदों ओ भगवान जी दी आग्या मिली, आग्या मान के जदों पानी पी के बाहर आया है ना, ते जदों भगवान कृष्ण जी दे चरणा ते सिर रखया है, मत्था टेकया है, ते अपना शरीर छड दिता है, अकाल चराना कर गए, अर्जन देख के बड़ा हैरान है। वो कहंदा कि भगवान इहदे मन च यही अरदास सी, इहदे मन दी कल्पना यही सी कि तुहाडे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहंदे हां अर्जन, साडे जेरे पूर्ण भगत पूर्ण सेवक ने ना, उहनां दी हर समय यही कल्पना रहिंदी है। ता साध संगत, भगवान कृष्ण जी ने उस शेर का किरिया कर्म करवाया, ते अर्जन समेत द्वारकापुरी आ गए, ते साध संगत अर्जन ने उसे दिन तो मन विच पक्का धार लिया, कहिंदा कि मैं अज तो बाद भगवान का स्वास स्वास नाम जपया करना है। ते साध संगत उस प्रभु दे उस परमात्मा दे जेड़े सेवक ने ना, जेड़े भगत ने, वो हर समय स्वास स्वास नाम जपदे ने। ते साध संगत भावे उन्हां पास शक्तियां आ जान, रिद्धियां सिद्धियां आ जान, पर अपने गुरु दे चरणां च आके फिर भी यही अरदास करदे ने, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, डुबदी दुनिया तारन खातर नाम दा चक्कर फिराया सी, सब धर्मां नूं कट्ठे करके सच्चा सबक सिखाया सी, बख्शी औगुण मेरे चरणों तोड़ी ना, करके मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, करके मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया।